हम आ रहे हैं जी सीधा मॉन्ट्रियाल से, मगर मॉन्ट्रियाल में मिलने हम गए थे ससुर जी से, उनसे मुलाकात भी हुई, मगर उनकी ना कुछ लाइफ में इतनी मेजर अपडेट आई है कि उसको वीडियो में डालने के लिए भी हमें सरकारी अप्रूवल लेने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए वो अप्रूवल की वेट हो रही है, तो वो वीडियो में अभी शेयर नहीं कर पाया, इसलिए आज हम आ गए अपनी फैमिली से मिलने। आइए 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 सर, क्योंकि मिस्टर निखिल जी को भी हमने यहाँ पर पहुँचाना था, ये भी आगे कहीं जा रहे हैं, उसकी बात करें। अभी मैं बस चाय लेके बाहर बैठने वाली थी। अच्छा वही मैं कहूँ, आज मम्मी बाहर देखी है, मैं वसूली करती हूँ टेबल चेयर की। अरे दिवाली वाले हमारे कुर्ते पजामे सूख रहे हैं, हैं अंदर ही ला दिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ आने की एक वजह यह भी है कि बड़े सरकार छोटे सरकार को लेके जा रहे हैं, किधर? टोरंटो, क्योंकि इनकी जॉब टोरंटो चल रही है आजकल, तो दो दिन के लिए जा रहे हो आप, और फिर आप कितने दिन के लिए जा रहे हो? तीन दिन, चार, पता नहीं, जल्दी टाइम से आ जाओ क्योंकि प्रोग्राम बन रहा है और वो प्रोग्राम बड़ा जरूरी है और वो साल में सिर्फ एक ही बार बन सकता है और तुक्का ऐसा लगा है कि उसको बना लेना चाहिए। बताओ, एट दिस मोमेंट ऐसा नहीं लग रहा कि शनिवार भी उतनी नींद में जितनी नींद में हूँ? हाँ नींद में हो आप? हम कब नींद में नहीं होते? गलत सियाणी है मुंडे दी। ओ सत श्री अकाल भाभी जी। भाभी जी वो क्या कहते हैं, हमारी कॉटेज आपको पता है कि मतलब इतनी डिमांड में रहती है वो लोकेशन की वजह से कि सार दस साल पूरी बुक होती है। ओह चलो मिलो मिलो। तो कॉटेज बुक थी तो एक कैंसिलेशन आ गई है तुक्के से इस वीकेंड की, मतलब थ्रू आउट पूरा समर बुक है, तो इसलिए भाई ये वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है, आप जरा प्लीज प्लान बनाएं, तो सारी फैमिली जो है एक वीकेंड कॉटेज लगाएं हम। सनी की जो उस पे डिपेंड करता है कि उसको वीकेंड, उस वीकेंड टोरंटो जाना है या नहीं। हाँ नहीं जाना है इसने, मुझे पता है वो भी है, साथ में कहता है हम एक जगह और बुक्ड हैं। प्रॉब्लम इज दैट कहाँ बुक्ड हैं हम? पंजाबी कम्युनिटी पार्टी हो रही है, पिकनिक हो रही है, पंजाबी कम्युनिटी पिकनिक हो रही है। अच्छा पंजाबी कम्युनिटी की पिकनिक? या पूरे ऑटावा की पंजाबी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है? या ओहो, वो भी इसी वीकेंड? इसी वीकेंड, जिस वीकेंड तेरा सीन बन रहा है। अरे यार ये तो गड़बड़ होगी, हम भी मिल जाते पंजाबी कम्युनिटी से, तो मिल लो फिर। शनिवार दिन में काम होना है तो उसके बाद फिर जब निपट जाएगी पिकनिक में उसके बाद फिर हम जा सकते हैं। हाँ मगर आप लोग फिर मंडे ट्यूसडे मंडे तक भी रुको तो फायदा है ना, बोर्ड का भी करते हैं कुछ। व्हाट अबाउट यू माता जी? मम्मी जहाँ बोलो मैं तो चल पड़ूंगी, मैं तो वैल्यू, मेरा क्या आई तेरी मम्मी, आपने कहा था अगर तुम जाओगे तो फिर जाऊंगी मैं। तभी तो कह रही हूँ साथ जाओगी तो। अच्छा बुड्ढा पुत्र जो जाएगा, she is saying I will go only if my elder son goes, otherwise I will not go with just you। नहीं सभी चल रहे हैं ना, वैल्यू कभी बनेगा, मान लो ये नहीं जाते फिर तो तुम जा रहे हो। हाँ चल फिर देखते हैं करके। पंजाबी मेले में भी जाना है मम्मी को? एक टांग वहां रख लेती है, एक वहां रख लेती है। माता जी तो भिन्न भिन्न किश्ती में कट्टे सवार होती है, ये क्या बात हुई? मम्मी सेइंग आई डोंट वांट टू विज द पंजाबी पिकनिक आल्सो एंड आई वांट टू गो टू द कॉटेज आल्सो, सो आई थिंक देयर इज ओनली वन सॉल्व टू दिस प्रॉब्लम। वी कैन गो सैटरडे नाइट। अब आप चले हैं टोरंटो ऐशा यशी करने, तो जब वापस आएंगे तो फिर टाइम से आएंगे। वापस आएंगे बस बस लेके आ जाएंगे जवान लौटे ताकि हमें गालियां पड़े, देखो बुरी माँ से करवा रही हो, कोई जरूरत नहीं है सफाई की, दोनों बहुएं खड़ी हैं। हाँ आंटी अकेले लगी हुई है। तुम्हारे अम्मी से पहले करना था, ये प्याज रखे थे निकाले थे उसके छिलके, उसकी शैशे बंद करके बोलो ना। अब बोलो बस हो गया। अरे फिर चला गया यार, मगर उसको बंद करके बात करो, आवाज तो है। आप बोलो
अरे वो गंदा नहीं था, बस वो प्याज निकाले थे उसके छिलके फेंक गए। अरे हमें तो मम्मी हमें तो चाहे वैसे मांगे ना मांगे, कैमरे के आगे जबरदस्ती मांगना पड़ता है क्योंकि फिर कंप्लेन आती है यार मान ला के मम्मी से काम करवा रहे हो, जबकि मारना चार जगह ही है। बड़े बड़े क्या करूंगे, हाथ पैर हिलाने। ठीक है, बाकी भाभी जी आप अच्छे से सेंट्रा से मिल लिए वीडियो में। I am asking her, my sister-in-law, dear sister-in-law, did you meet Sandra properly in this video? Because people say that the idea is... I don't treat you nicely. I am jealous. There are some comments that Cherry Bhabhi doesn't welcome you properly in the house. Sunny gives you and me cold reception. From next time, we should be doing it. It is really not the fact, kyunki... The thing is, जब हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, जब सबसे ज़्यादा ये आया था कि भाई रिस्पॉन्ड नहीं किया, सबको पता नहीं है, बट बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि मैं तो चार दिन बाद आया हूँ, सैंड्रा यहीं आके रही थी तीन चार दिन पहले, सो इट वॉज नथिंग न्यू फॉर देम टू होस्ट देम। बिसाइड्स सगे भाइयों के घरों में जाओ आप, एक तरीके से अपना ही घर होता, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार बंदा जो है फॉर्मेलिटी करे, ग्रीट करे, हाँ फेक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसको भी उठना पड़े अगर बिस्तर से, अगर वो रिलैक्स कर रहा हो कि मेरा भाई आया है उससे मिलने के लिए करूँ, तो फिर तो फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाएगी। सगे भाइयों में फिर ये चीज़ें इस तरीके से नहीं देखी जाती, इसीलिए मैंने कहा ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये भी मेरे घर का भी आएगा तो मैं उठ गया भगत थोड़ी करूँगा, हो आ जाओ आ जाओ। ठीक है जी, चल ये बात भी सॉल्व हो गई। चाय चाय गरम, मम्मी अपने टॉनिक पे आ गई है। मैंने शाम वाली चाय नहीं पीती ना। हाँ मम्मी का शक्ति वाटर जी। इजाजत टाइगर बिस्किट। यार ये इसकी आजकल मैं बड़ी एड देख रहा हूँ टीवी पे इंटरनेट पे, क्या है ये बुबले बबली बुबले बोलते हैं इसको। मेरे आजकल में शुगर कम होती है बस, बाकी फ्लेवर्ड है तो भाई बेसिकली भैया इसमें कहते हैं शुगर जीरो है। अच्छा कैलोरियां भी कम होती हैं इसमें। हाँ। और हाँ कैलोरियां भी जीरो लिखी है। लाइम बडी मतलब वो है शुगर फ्री ड्रिंक कहते हैं। अच्छा नींबू पानी। हाँ नहीं अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं ये। ओके ओके ओके, मतलब जैसे तेरा फ्रेस्का है, जैसे फ्रेस्का है वैसे ही कितने बैठना सर उठे बैठिए। आई वांट टू हैव अ लुक इन द की स्पेस फर्स्ट टू सी इफ वी हैव आवर व्हिच स्पेस द लेटर बॉक्स की। ओ लेटर बॉक्स की, या ओके ओके ओके। अपने लेटर बॉक्स की चाबी जी यहाँ पे छोड़ के थे कनाडा से निकलने से पहले, तो वो ढूंढ रहे क्योंकि हमारी बड़ी सारी मेल आई होगी वो पिक करनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए तो एड्रेस अब भाई के घर का ही देते हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट का, और हम जैसे बंजारों के साथ यही इशू तो रहता ही है ना जी। ये थैंक यू भाभी जी। भाभी क्या बना रही हो? चिकन लेटस रैप्स। चिकन लेटस रैप्स हेल्दी, और नहीं तो टाको। नहीं तो टाको मिला लेंगे। ठीक है ठीक है। ये क्या है? ये तो वो लग रहा है शवरमे की, वो लग रही है बेस है। तो इसका क्या बनेगा? पिज्जा बनेगा इसका? हैं आप इतने टाइम में कहते रहे हैं, रोज बाहर से मंगा के तो नहीं खाते होंगे, कुछ बनाते नहीं है? खुद ही बनाते हैं। तो हमें भी कुछ खाएं। आपको टोरंटो से जब क्वार्टर जाएंगे तो वहाँ आपको हेल्दी पिज्जा बना के खिलाएंगे। वहाँ तक की वेट कौन करेगी? कल किसी ने नहीं है तो मेरा पैतरा मेरे पे ही चला रहा है कि आगे को टाल दो। चलो आज नहीं हो पाएगा। अरे बना रहे यार, खिला रहे यार थोड़ा सा। मम्मी क्या कर रहे? बोल दो, कोई नहीं वीडियो में ही बोल दो आप। वीडियो में ही बोल दो। देख मैं यहाँ बैठी हूँ सोफे पे पसर के। वो दोनों बना रही हैं खाना। ये रेयर ही होता है कि भाई यहाँ अच्छा। कोई काम करना होता है तो मम्मी ने स्पेशल कहा लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मेरी बहू है मेरी बड़ी सेवा करती है, एक काम कर मैं इतने बैठी हूँ तू मेरे ना बैग वीडियो बना ताकि पीछे दिखे कि देखो मेरी दोनों बहुएं सेवा कर रही हैं और आराम से बनाती है और मेरे को तकलीफ नहीं देती। यही कहना चाह रहे हो ना? यही मैसेज देने कर रही हूं। देखो मैं रसोई में, रसोई मैं नहीं छोड़ना चाहती है ना, अपनी मनपसंद खाना बनाऊंगी जाऊंगी तो मुझे भी तसल्ली, इनको भी तसल्ली, अच्छा खाने वालों को भी खिलाने वालों को भी। रसोई तो मैं छोड़ने वाली नहीं जब तक हाथ पैर चलते हैं। हाँ। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम मैं ही जूती रहती हूँ। ये बात भी ठीक है। आज तुम लग रहा दिस इज द क्लैरिफिकेशन वीडियो। एक के बाद एक सारी चीजें क्लैरिफाई हो रही। भाभी निकल तो नाट गया। कोई नहीं ओके, आप बना रहे हो पिज्जा? पिज्जा के लिए चीज कद्दूकस करना पड़ेगा। अरे चीज तो कद्दूकस कर ही देगा भाई, पकड़ा लो पकड़ा लो, लाओ लाओ लाओ, ऐसे धीरे धीरे एक एक करके सारे काम करवा लो। निकाल के बाहर लेते हैं, थोड़ा डीफ्रॉस्ट हो जाए। हाँ
आएगा बाहर के टाइम में बताना कौन बताएगा कौन सर चीज बार लगा कर गई है पहली कौन सी है मॉन्ट्री जाएगा कौन सी है चीज की शेडर है शेडर 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 तो मोज़ेलेला मिक्स है ओके ओके निंजा टेक्निक वैसे हम बस खाते हैं प्रजाई ने देसी स्टाइल बनाई है खा एकदम ऐसे लहसुन का तड़का आएगा मुंह में ये नहीं खाता लहसुन लहसुन ज्यादा है इसमें भरजाई जी थोड़ा ज्यादा ही लहसुनी हो गई मैंने भी खादी वाले सबसे पहले ही होता मैं कुछ ना हिट किया बड़े गंदे तरीके से चले और क्या करेगा लहसुन ही करेगा हिट ये वो है कि तू इतनी सी खा ले उसके बाद एक घंटे लहसुन आएगा मुंह से है ना रात आएगा पूरी रात अभी इसको खोला ढक्कन बंद किया अभी तक लहसुन आ गई है ये सेंड्रा को ट्राई कराओ डॉल अमेजिंग होमस होम होममेड होममेड भाभी जी मेड होममेड हिट कर गई अरे वाह भाभी जी ये तो मतलब आपने ब्राउन पिता के ऊपर सजा दिया सामान वेरी गुड और पिज्जा इन मेकिंग आई एंजॉय पिज्जा योकी क्या बात है घर में गेस्ट एक्स्ट्रा आ जाएंगे फर्स्ट क्लास एक्सटेंशन लगा दी आठ बंदों का हो गया टेबल पे की जगह अरे थोड़ा थोड़ा सड़ गया है पर कोई बात नहीं हम साइड से निकाल के खा लेंगे बीच में से वाह 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 इट लुक्स गुड अ लिटिल बर्नट आउट बट ओके आई यू आर ईटिंग द बर्नट ब्रेड या व्हाट यू टोल्ड इट ऑल यू ओनली टोल्ड मी इट इज कैंसरस या इट वाज लिटिल लिटिल तो जी एक ऑप्शन ये है जिसने रोटी में खाने हैं ऐसे टाको वाली में और एक ऑप्शन ये है कि इसमें लपेट के चिकन मिलेगा कैन यू गिव मी द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द पिज्जा प्लीज इट्स ऑल योर्स ओह इट्स ऑल माइन नो नो इट्स टू मच आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थैंक यू पिज्जा विद गुआकामोले वेयर इज माय गुआकामोले निखिल की रेसिपी है वेरी नाइस चिकन लेक्टस रैप देखते हैं कैसे बेसिकली टाको है उसका हेल्दीर वर्जन है उसको टाको की बजाय इसमें डाल के खा लो अच्छा अच्छा बनाइए बनाइए हां ये गई सलसा यू कैन पुट द गार्लिक की हमस और गार्लिक की हमस एंड देन ईट चलो जी वैवाहिक दंपति काम पर लग गई है अपना खाना वाना खा रहे तो पानी डिंडा यहाँ पे अब धोए जाएंगे हम भी बस अब निकलते हैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर द डिनर थैंक यू चलो जी ओके डॉल रेड गो ओह हग 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 अगेन वी आर गोइंग भाभी जी हग करो ओह ओके 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 प्यार दिखाओ योर कीज डोंट फॉरगेट ओह या ओके यार कीज चलो पोस्ट ऑफ भी जाना है हमें डाक खाने चलो जी माता जी तो है अपना सैर करने निकल गई हैं Because she has to give time to all the kids in the entire area, सारे मोहल्ले में क्योंकि मम्मी YouTube आंटी हैं अच्छा माता जी फिर असि चले हैं हाँ जी हाँ जी खाना वाना भी बढ़िया हो गया बाकी आगे की रिपोर्ट जो ससुर जी से मिल के आए हैं वो आपको आगे की वीडियो में देते हैं जैसे ही सरकारी अप्रूवल आ जाएगा बाकी क्या कहते हैं अब हमारे चलने का टाइम हो गया माता जी ठीक है आपका आशीर्वाद और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन दबा दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग